हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूएई में सिटी बस से रिलेटेड कुछ नए अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, और फ्रेंड्स चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, दुबई से अबू धाबी जाने के लिए सिटी बस सर्विस को फिर से स्टार्ट कर दिया है। आप अब दुबई से अबू धाबी ट्रैवल कर सकते हैं सिटी बस में। उसके लिए E101 बस को स्टार्ट किया गया है, जो कि इब्न बतूता बस स्टैंड दुबई से सेंट्रल बस स्टेशन अबू धाबी तक चलाया जाएगा, जिसमें आप दुबई से अबू धाबी के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए RTA रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। अब आप उस ट्रैवल कर सकते हैं दुबई से अबू धाबी के लिए। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाकी के भी जो सिटी बस है उसे भी स्टार्ट किया गया है, जो कि इब्न बतूता बस स्टैंड दुबई से सेंट्रल बस स्टेशन अबू धाबी तक के लिए चलाया जाएगा। फ्रेंड, आप इनमें भी ट्रैवल कर सकते हैं अबू धाबी के लिए दुबई से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आदिल शाकरी, डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसी RTA रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है, दुबई से अबू धाबी के लिए जो रूट है ये बहुत ही क्रिटिकल है। फ्रेंड्स, इस रूट में पूरे यूएई में सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं दुबई से अबू धाबी के लिए, तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिसे फॉलो करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो लोग अगर दुबई से अबू धाबी के लिए ट्रैवल करते हैं सिटी बस से, तो उनको अल हुसैन ऐप में अपना ग्रीन स्टेटस शो करना पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ पर ई का साइन भी शो करना पड़ेगा। ये आपको RT-PCR टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट के साथ मिलता है। इसके अलावा अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं तो भी आप ट्रैवल कर सकते हैं दुबई से अबू धाबी के लिए सिटी बस में। उसके लिए आपको एक RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, जिसका रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 48 घंटे के अंदर आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं सिटी बस में दुबई से अबू धाबी के लिए। फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को बता दूं कि आपको उसके लिए DPI टेस्ट करवाने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। आप बिना DPI टेस्ट करवाए आप दुबई से अबू धाबी के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा अनवैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनको नेगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट के साथ, जब वो जैसे ही अबू धाबी पहुँचते हैं उसके बाद 2 PCR टेस्ट और करवाने होंगे, जो कि अबू धाबी पहुँचने के बाद 4th दिन और 8th दिन करवाने होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। ताकि